रोहिणी कोर्ट में हुए गैंगवार में जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए हमले की साजिश रच रहे कुख्यात बदमाश को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान करमवीर उर्फ काजू के रूप में हुई है, जो कि जिला अदालत में पेशी के दौरान विरोधी गैंग के सरगना सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया पर हमले की साजिश रच रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और इसी मामले पर क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर धीरज कुमार ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी, जिसके बाद इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी धीरज कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी टीम ने एक कुख्यात बदमाश को अरेस्ट करा है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं धीरज जी से। धीरज जी, कौन ये बदमाश था जिसको अरेस्ट किया गया? ये करमवीर अलियास काजू है। ये रहने वाला सौलदा गांव है, पीएस बहादुरगढ़ छज्जर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का ये है। बात की जाए तो आगे इसके क्राइम ऑफ ऑपरेंडी क्या था, आगे किन किन वारदातों को अंजाम देना चाह रहे थे? इसका बेसिकली जो हमारा अभी इंटरोगेशन में और इंटेलिजेंस के थ्रू जो हम लोग गैदर किए हैं, अभी नेक्स्ट इसका तीन ऑपरेशंस था इन पाइपलाइन। एक तो ये टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर करता रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, सेम स्टाइल में जिस तरह से उसने अपने गोगी को, जितेंद्र गोगी को मारा था। नंबर टू, इसका जो अपना जितेंद्र गोगी का गैंग था, उसका जो भी सबसे टॉप कमांड है रोहित मोई, उसको ये किसी भी हरियाणा कोर्ट से छुड़ाने के लिए ये वहाँ पर शूट आउट करता। और तीसरा, इसका पुराना दुश्मनी है प्रवेश मान से, जो नीरज भवानिया गैंग का है। वो प्रवेश मान के फैमिली मेंबर्स को, प्रवेश मान अभी जेल में है, तो उसके फैमिली मेंबर्स को या उसके भाई वगैरह को ये नुकसान पहुँचाता। सर, बात की जाए पहले इसके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं और कहाँ कहाँ से दर्ज हैं? अभी तक कुल जो है हम लोग के संज्ञान में 17 केसेस हैं। ये ज़्यादातर केसेस हैं पीएस बहादुरगढ़ के, जिसमें कि मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, पुलिस वालों पर हमला है, रॉबरी है, डकैती है, और कुछ केसेस दिल्ली में हैं। सर, क्या क्या इनके पास से रिकवरी हुई है? इनके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल 9mm की बरामद हुई है, लाइव राउंड्स हैं, और जो ये गाड़ी यूज़ कर रहा था दिल्ली के फार्म हाउस से हरियाणा आने जाने के लिए, i20 कार है। सर, तो ये तो हमारे साथ धीरज कुमार जी, जिन्होंने बताया कि गदईपुर महरौली के एक फार्म हाउस से ऐसे कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि दिल्ली में आगे कहीं ना कहीं तीन वारदातों को और अंजाम देने वाला था। दिल्ली से चंद्रतंत्र टीवी के लिए अपने सहयोगी मोहम्मद आसिफ के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.